नौजवान बेटा बीमार हो गया ना, तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचता, ये मर जाएगा। तो बाप रोता हुआ सिसकता हुआ अपने नौजवान बेटे को घर ले आया, तो बेटा चारपाई पे लेटा हुआ मौत का इंतज़ार ही कर रहा था कि उसने अपने अब्बू को बुलाया और कहा कि अब्बू, मेरी जो डिग्रियां हैं ना, ज़रा मेरे पास तो ले के आओ। बाप गया, डिग्रियां उठा कर ले आया, तो नौजवान कभी डिग्रियों को देखता है, कभी अपने बाप के चेहरे को देखता है और धाने मार मार कर रोने लगा, तड़पने लगा। बाप ने वजह पूछी तो बेटे ने कहा, अब्बू तूने मुझे स्कूल तो पढ़ाया, तूने मुझे कॉलेज तो पढ़ाया, काश तूने मुझे कुरान भी पढ़ाया होता, आज मेरी दुनिया भी संवर जाती और आखिरत भी संवर जाती। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दो।